नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं उपनिवेशवाद और देहात। आज हम देखेंगे कि औपनिवेशिक अंग्रेजी शासन का क्या प्रभाव पड़ा गांव में रहने वाले लोगों पर और कैसे उन्होंने उनकी जिंदगी बदतर होती चली गई उनकी शासन व्यवस्था में। चलिए देखते हैं औपनिवेशिक शासन का अर्थ देहात में रहने वालों के लिए क्या था, ये आज का प्रश्न रहेगा। अभी हम बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे, राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे जहां संथाल लोग रहते हैं, फिर वहां से दक्कन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राज कैसे स्थापित किया, अपनी राजस्व नीतियों को कैसे कार्यान्वित किया, भिन्न भिन्न वर्गो के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या क्या मतलब था, उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल दिया था। राज्य यानी कानून जनसाधारण के लिए बहुत परिणाम लाते हैं और अंग्रेजी राज व्यवस्था कैसे कैसे उन पर ले क्या उन्होंने दबाव बनाया, कैसे उन्होंने पूरी उनकी जीवन पद्धति ही चेंज कर दी, सरल लाइफ को, सरल जिंदगी को उन्होंने कठिन व्यवस्था में बिल्कुल चेंज कर दिया, केवल लूट खसोट के जैसी भावनाएं बना दी। इस भोले भाले देश के लोगों के भोले भाले लोगों के मन में भी अपने जैसे कुटिल विचार डालने की कोशिश की। एक तरफ से उनके वैचारिक जीत हो रही थी, ऊपर से वो लूट खसोड़ भी मचा रहे थे, उसको हम देखेंगे। इन्होंने क्या किया, इस राज्य जो इनकी राज्य व्यवस्था इन्होंने लगाई अंग्रेजों की, इसमें कईयों को तो बहुत अमीर बना दिया और जो गरीब थे, मध्यम वर्ग थे, वो गरीब से भी गरीब बनते चले गए। किसी को नई जमीन मिल जाती तो कोई नई जमीन खो देता, सही है ना। कोई अपनी जमीन, कोई नई जमीन पा रहा था जो इनकी चाटुकारिता कर रहा था, और एक कोई वो थे जो खुददारी जीवन जी रहे थे, आम किसान, वो किसान ही झेलता है इस देश में, तो वो अपनी जमीन खोते जा रहे थे। तो ये चलिए देखते हैं बंगाल और वहां के जमींदारों के बारे में देखते हैं। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में आया, सही है, औपनिवेशिक शासन बंगाल में आया। प्लासी युद्ध हम जानते हैं 1757 में हुआ, वो क्यों हुआ इसका रीजन भी है। फर्रुखसियर साहब ने साइन मार दिया था कि जाओ तुम खुला व्यापार करो पूरे भारत में, लेकिन वहां के नवाब को पसंद नहीं आया, उन्होंने अंग्रेजों का रोक टोक की और एक साजिश के तहत 1757 में अंग्रेज जीत सके, नहीं तो उनकी औकात नहीं थी कि उस नवाब से वो लड़ सकते। यही वो प्रांत था। हाँ, बंगाल के बारे में एक और बात जान लेते हैं कि 60% जीडीपी उस समय हुआ करती थी, 1757 में उसकी 60% जीडीपी वर्ल्ड की हुआ करती थी, व्यापार की। वहां 60% जो व्यापार हुआ करता था और 60% जीडीपी वो देश की अकेले बंगाल करता था, और 60% व्यापार पूरे देश का बंगाल के थ्रू हुआ करता था। तो आप सोच सकते हैं कितना अमीर रहा होगा बंगाल, मतलब बंगाल आज का बिहार और उड़ीसा भी, और झारखंड भी अलग हुआ है बिहार से, तो झारखंड भी। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में आया। यही वो प्रांत था जहां ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था और नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किया गया, समझ रहे हैं, पूरी चेंज करने की कोशिश की गई, पूरा पुनर्व्यवस्थित करने की कोशिश की ग्रामीण समाज को, उनके अधिकारों की नई व्यवस्था की गई, उनकी राजस्व प्रणाली, जैसे राजस्व प्रणाली मतलब कि कोई राजा कैसे कर लेता था, है ना। अगर वो ये देख, हमारे यहाँ समाज में क्या था कि जो ग्राम प्रधान था या गांव का जो राजा का प्रतिनिधित्व था, जो गांव के लोगों की सुख दुख देखता था कि यहाँ पे एक रोड होनी चाहिए, यहाँ के पे गौशालाएं होनी चाहिए, यहाँ पे लोगों के लिए कुएं होने चाहिए, यहाँ पे लोगों के लिए बावड़ियां होनी चाहिए, यहाँ पे लोगों के पास नहर निकली होनी चाहिए, तभी खेती कर पाएंगे, जो देखता था। तो ये भी तो ये सब चीजें होती हैं जब आम आदमी कर देता है, राजा अपने पास से कहां से लेके आएगा, उसका काम तो रक्षा करने का है ना, और देश भी उसी को चलाना है, तो वो ये सब चीजें होती है राजा के कर से, मतलब जो आम आदमी कर देता है। तो कर व्यवस्था ऐसी थी कि अगर ये भी देखा जाता था कि ये बंदा दे सकता है कि नहीं दे सकता, जैसे आज तक 5 लाख का फ्री है ना, वैसे ही ये बंदा दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो अब किसी गरीब आदमी का उस बार खेत में कुछ पैदा नहीं हो तो देगा कैसे, लेकिन अंग्रेजी शासन में नहीं था, उन्होंने ऐसा कर दिया था कि जमींदार अगर नहीं दे पाया तो जमींदारी हट जाएगा, और अगर वो नहीं दे पाता है निश्चित धनराशि तो उसी की जो संपदा पर्सनल प्रॉपर्टी वो बेची जाएगी, तो उसके बारे में आगे हम देखेंगे। यही वो प्रांत था जहां ग्रामीण समाज को, यही प्रांत मतलब बंगाल, जहां ग्रामीण समाज को
पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था और नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने की करने का प्रयत्न किया गया। अब देखते हैं एक घटना के बारे में, बर्दवान, ये बंगाल की घटना है, वहां पे एक बर्दवान करके जगह है, बर्दवान, बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना को हम देखते हैं। नीलामी किसकी हो रही है? एक राजा की नीलामी हो रही है। सन 1797 में बर्दवान के राजा, जो आज बर्दवान है, उस समय बर्दवान था, आज बर्दवान है, बर्दमान है आज, में एक नीलामी की गई। राजा द्वारा अपनी संपत्ति बेची जा रही थी। 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हो गया। इस्तमरारी बंदोबस्त ऐसा था, उसका मतलब क्या था कि अंग्रेज लोग क्या करते थे, अभी एक जमींदार था जो वहां का राजा था, उसी को उन्होंने जमींदार बोले, छोटे राजाओं को जमींदार बोले, भाई तो ठीक है हम तुम्हारे उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हम तुम हमको टैक्स दोगे तब हम तुम्हें राजा बने रहने देंगे, यहाँ का थोड़ा प्रभुत्व तुमको लेने देंगे। तो राजा ने बोला ठीक है। तो उन्हें क्या पता, थोड़े दिन तक तो नॉर्मल चलता रहा पहले की तरह, लेकिन उन्होंने क्या किया, 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू कर दिया। इस बंदोबस्त में क्या था कि तुम्हें एक निश्चित धनराशि दे दी इन्होंने, अंग्रेजों ने, कि निश्चित धनराशि मैं दे दूंगा, जैसे तुम्हें 1 करोड़ तुम्हें देने हैं एक साल में। अब राजा, छोटा राजा, ठीक, तुमने उससे सेना छीन ली, तुमने कर नहीं लेना है उसे, उस हिसाब से तुमने जितनी धनराशि ली है तो वो ज्यादा कर्ज लेगा, है ना, क्योंकि अगर 1 करोड़ वो नहीं दे पाया तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी बिक गई। उसमें ये क्या था कि जैसे उन्होंने बोला कि 1 करोड़ तुम्हें एक साल में देने, अगर वो नहीं दे पाया, उस गांव से नहीं ले पाया, अब गांव से बहुत सारे तरीके नहीं ले पाने के, अकाल आ गया उस समय जब ये लगा, वो सबसे बड़ी बात है बंगाल में अकाल पड़ा था उस समय, तो कैसे देते, तो इसलिए मैक्सिमम राजाओं की प्रॉपर्टी गई। आगे और देखते हैं क्या क्या कारण हो सकते थे। 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हो गया। इसमें जो जमींदार राजस्व नहीं चुका पा रहे थे, राजस्व चुकाने के लिए उनकी संपदा नीलाम कर दी जाती थी। राजा की नीलामी में भी यही हुआ, लेकिन इसकी नीलामी में कुछ खास था कि उसकी संपदा उसके ही एजेंट और नौकरों द्वारा खरीदी जा रही थी। राजा ने थोड़ा दिमाग लगाया था, उसके जो नौकर और जो उसके एजेंट थे वही उसको संपदा मतलब देखने के लिए नीलामी हो रही थी, हाँ बिक रही है, लेकिन उसमें जो 95% बिक्री हुई थी वो फर्जी निकली। और किसने चेक कर दिया, वहां का जो कलेक्टर था, जो अंग्रेजी सरकार का प्रतिनिधित्व करने के कलेक्टर आया था, उसने ये पकड़ लिया कि पैसे नहीं जमा हो रहे हैं लेकिन ऊंची बोलियां लगती जा रही हैं जिसमें 95% बिक्री फर्जी निकली। यहां पर क्या सवाल बनता है, राजा राजस्व क्यों नहीं दे पाया और नीलामी में खरीदार कौन थे, है ना? अगर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं खरीदा होगा, 5% जो लोग खरीदा है ना, वो कौन थे खरीदने वाले, वो 5% कौन थे जिन्होंने राजा की संपदा खरीदी। अदा ना किए गए राजस्व की समस्या, ठीक, अभी हम देखते हैं क्या क्या सीन हो, राजस्व क्यों नहीं ले पाया, तो अभी हम बात करेंगे अदा ना किए गए राजस्व की समस्या, मतलब कर जो नहीं चुका पाते थे उसकी समस्या क्या थी वो हम देखेंगे। ये नीलामी पूरे बंगाल में चालू थी, जल्द ही पूरे बंगाल की जमींदारी हस्तांतरित हो गई। अभी ये जो चीज थी ये एक जमींदार के साथ नहीं थी, वो धीरे धीरे सारे जमींदारों के साथ ये हो गया कि वो अपने लोगों से उतना टैक्स नहीं ले पाए, और ऊपर से बंगाल में उस समय अकाल आया था, उस अकाल में बोलते बहुत लाखों लोग मरे थे उसमें, तो अब अकाल आया था तो लोग अपना तो कृषि प्रधान देश है तो नहीं दे पा रहे थे उतना कर, तो ऐसे क्या किया, वो धीरे धीरे पूरे बंगाल की लगभग 70% से अधिक जो जमींदारी थी वो दूसरों के पास ट्रांसफर हो गई। अब ऐसे में क्या हुआ, दो चीज हुई, एक तो ये प्राइवेटाइजेशन टाइप का हो गया कि हाँ भाई तुम भी जमींदार बन सकते हो, तो लोग क्या ना एक तरह के बिजनेस टाइप को चलने लगे, ये इसमें वो होने लगी, प्रतियोगिता होने लगी, नहीं नहीं गुंडे टाइप के लोग आने लग गए इसमें, नहीं हम आपको वसूल के देंगे, तो आम आदमी पर अत्याचार बढ़ने लगा, जो वसूल के देता था अंग्रेजों को उतनी धनराशि वही जमींदार बनता था, ऐसा भी सीन हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था कि इससे समस्याओं का हल होगा और राजस्व मिलेगा, वो ये मानती थी कि इस्तमरारी जो बंदोबस्त है बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं था। 1770 तक बंगाल में अकाल ने अर्थव्यवस्था को गिरा सा दिया था, मैंने बताया ना 1770 तक इतना प्रचंड अकाल आया था कि उस बंगाल की अर्थव्यवस्था खुद ही गिरी हुई थी, जमींदार कर कहां से देते, और ईस्ट इंडिया कंपनी कृषि में निवेश का रास्ता ढूंढ रही थी,
इसलिए अधिक से अधिक भूमि पर कब्जा किया गया और सोच ये थी कि राज्यों से स्थायी राजस्व प्राप्त किया जा सके। स्थायी राजस्व मतलब कि मैंने तुम्हारा फिक्स कर दिया है और तुम यहाँ के जमींदार हो, तुम्हें को इतना दोगे। उद्यमकर्ता भी राज्य के हस्तक्षेप के बाहर होकर लाभ कमा सकेंगे। अभी क्या है, राज्य के हस्तक्षेप के से बाहर होकर, अभी वो ये दिखाने के लिए लिखा हुआ है। उद्यमकर्ता मतलब जो वॉलेंटियरी आगे के हम तुमको इस यहाँ से कर लोगों से लेके तुम्हें देंगे, अब जब उनके पास है नहीं तो उनको प्रताड़ित करके लोगे, ठीक है। तो ये उसमें उद्यमकर्ता लगा दिया है कि राज के हस्तक्षेप के बाहर, मतलब तुम पीछे से प्रेशर भी डाल रहे हो, नहीं नहीं मेरे को 1 करोड़ चाहिए, नहीं तुम्हारी संपत्ति बेच दूंगा, और तुम ऊपर से ये बोल रहे हो कि राज्य के हस्तक्षेप के बाहर, मतलब अंग्रेजी सरकार के हस्तक्षेप के बाहर होकर तुम अंदर अपना मेरे को इतनी धनराशि दे दो, बाकी तुम्हारी, तो तुम्हें लाभ होगा, है ना। ऐसे कैसे होगा जब वहां पे कुछ है ही नहीं, तो वो वहां से निकालेगा कैसे और तुमको उतना देगा कैसे, और तुमने ऐसे लोग बैठा दिए जो आम आदमी को लूटेंगे, वो बुरी तरह से प्रताड़ित करते, उनसे जबरदस्ती उतने पैसे लेते और ज्यादा पैसे लेते, और जैसे एक बोला कि 1 करोड़ तुम्हें को देना है और उस जगह की क्षमता है 70 लाख देने की, तो 1 करोड़ लिए उन्होंने, ठीक, एक क्या उन्होंने लिए 1.5-2 करोड़ ले लिए, उन्होंने 1 करोड़ दे दिया, 50 लाख का फायदा उनका हुआ, और ये 70-80 लाख एक्स्ट्रा कहाँ से आए, उन्होंने उनको प्रताड़ित करके लिया, वहां के लोगों को प्रताड़ित करके लिया, ये सीन होता था। तो ये उसी को बोल रहे हैं उद्यमकर्ता भी लाभान्वित होंगे, तो लाभान्वित तो होंगे ही, फिर प्रताड़ित करके लेंगे तो, और इसमें हस्तक्षेप भी नहीं करते थे, मना भी नहीं करते तुम इनको प्रताड़ित कर रहे हो, ऐसा सीन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि छोटे किसानों और धनी भूस्वामियों को का ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। वो वही है, वो ये जो लोग जमींदारों के रिलीवर थे, मतलब जो वॉलंटियर बन के आगे आए थे, वो वही दुष्ट लोग थे जिनके पहले एक मीडियम पैसा था, मतलब राजाओं की तरह नहीं, लेकिन उस राजाओं के जो जमींदारों के बराबर जो पैसा होता ना, बहुत बड़े बड़े अमीर अमीर लोग जो होते हैं राज्यों में, ये वही दुष्ट लोग थे जो और पैसा बनाना चाहते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे लोगों को ढूंढ रही थी जो मेरे को जमींदार, जो अभी मैंने जो व्यवस्था लाई है इसे काफी जमींदार चले गए क्योंकि वो उतना तो लूट नहीं पाए, तो ये जो अमीर लोग हैं ये जमींदार बन जाएंगे और मेरे को लूट लूट के खिलाएंगे, ये था। उन्हें ये भी आशा थी कि ब्रिटिश से पैसा पाकर ये वफादार भी रहेंगे। अब भाई इतना पैसा उनको मिल रहा है तो ब्रिटिश से इनाम भी मिलता था और वफादारी रहेंगी, ये ऐसा ब्रिटिश शासन को आशा थी, और थे भी बाद में, नहीं तो हम इतने दिन गुलाम न रहते। लेकिन समस्या यह थी कि वो आदमी कहाँ है जो कंपनी को कृषि सुधार के साथ राजस्व भी दे सके, इसका ठेका भी ले सके, बस यही आदमी ढूंढ रहे थे, यही इनको मिलना शुरू हो गए थे। बंगाल के राजाओं और तालुकेदारों के साथ इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया और सदा के लिए निश्चित राजस्व मांग को अदा करना था, जो मैंने ऊपर आपको बताया ये वही है। जमींदारों और तालुकेदारों को सेलेक्ट किया गया, भैया तुमको निश्चित राशि में देनी है। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था बल्कि वह राज का राजस्व संग्राहक मात्र था। पहले जमींदार जो कि पहले राजा था, जमींदार बन के रहेंगे, वो तो धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब तुमने बोल दिया कि तो उसकी जमीनें छीन ली गई, पता है उसकी वो जमीनें छीन ली गई और वो जो जमीन गांव से बस केवल वो टैक्स लेने वाला आदमी ही रह गया, तो उसकी तो पावर बिल्कुल चली गई, उसकी तुमने सेना छीन ली, सब कुछ छीन लिया। 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। उस समय कार्नवालिस बंगाल के गवर्नर था। जमींदारों के नीचे कभी कभी तो 400 तक गांव होते थे। कंपनी के हिसाब से एक जमींदारी के भीतर आने वाले गांव मिलकर एक राजस्व संपदा का रूप लेते थे। कंपनी कुल मांग निर्धारित करती थी और जमींदार ये निर्णय करता था कि किस गांव से कितना लेना है। वो तो भाई वही निर्णय करेगा, कंपनी तो बोल देगी भाई मेरे को 1 करोड़ चाहिए, बाकी तुम्हारे पास 400 गांव है, तुम सीधे नोच नोच के दो कैसे किस गांव से क्या लेना है। जो सही थे तो जिनके पास कैपेबिलिटी थी उनसे लेते थे, बाकी लोगों को थोड़ा ढील देते थे, लेकिन जो वैसे थे वो सबसे नोच नोच के निकालते थे। अब सवाल उठता है कि जमींदार क्यों नहीं देते थे समय पर, कर क्यों नहीं चुका पाते थे जिससे उनकी नीलामी हो जाती थी। अब ये सवाल उठता है तो उसका देखते हैं। पहले तो कंपनी को लगा कि स्थायी राजस्व से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा, वे निवेश में प्रतिफल की प्राप्ति से संपदा को बढ़ाएंगे। पर कुछ वर्षों बाद ही जमींदार राजस्व देने में चूक करने लगे और उन पर बकाया धन बढ़ने लग गया। बढ़ेगा ही, इतना वो जब अकाल पड़ा हुआ तो कहां से लाके देंगे।
जमींदारों की असफलता कई कारण थे। पहला, प्रारंभिक मांगों का बहुत ऊंचा होना, बहुत ही ज्यादा ऊंची तुमने मांगे मांग दी। दूसरा, ये ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई जब उपज की कीमतें नीचे थी, जब जमींदार खुद राजस्व नहीं इकट्ठा कर पा रहे थे तो अंग्रेजों को कहां से देते। अभी आप सोच रहे हो वो खुद नहीं इकट्ठा कर पा रहे तो आपको कहां देंगे। तीसरा, राजस्व असमान था, फसल ठीक हो, मतलब राजस्व जो था असमान था, फसल ठीक हो तो भी उतना, और नहीं फसल उगी ही नहीं तो भी आपको उतना ही देना है। तो फसल ठीक हो या खराब, अंग्रेजों को राजस्व समय पर ही चाहिए था। अगर निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक, मतलब इतना सख्त थे कि अगर निश्चित तिथि की जो जिस डेट को उनको राजस्व मिलना है, अगर उसके सूर्यास्त तक पैसा नहीं पहुंचा तो नीलामी हो सकती थी जमींदारी की। अब चौथा क्या कारण हो सकता है, जमींदार केवल राजस्व इकट्ठा करने वाला और जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित रहा, उसकी शक्तियां कम हो गई। कंपनी जमींदारों को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी, उनकी सैन्य टुकड़ी को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया उनका, उनकी कचहरियों को कंपनी के कलेक्टर चलाने के जो न्याय व्यवस्था फैलाई थी उन्होंने, राजाओं ने जो बाद जमींदार बन गए, अब उनकी धीरे धीरे सब खत्म कर रहे थे अंग्रेज, उनकी सैन्य टुकड़ी को भी भंग कर दिया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया। सीमा शुल्क बहुत फायदा करता है, कोई उनके रास्ते निकलेगा सामान लेकर भाई उनको भी टैक्स देगा तो उनकी भी इकोनॉमी मजबूत होगी और लोगों की मदद कर पाएंगे, है ना। जब सब कुछ बंद ही कर दिया उनके आय का साधन तो वो कहां से करेंगे। और यही सब बाद में जाके 1857 क्रांति का कारण भी बनता है, जो सैनिक विद्रोह या एक बुलेट की वजह से इतना बड़ा कारण नहीं है, 1857 क्रांति का कारण यही सब है। इतना दबा के रखा गया, एक दिन ज्वालामुखी तो फूटना ही था। उनकी कचहरियों को कंपनी के कलेक्टर चलाने लगे, जमींदारों से स्थानीय न्याय व स्थानीय पुलिस रखने की क्षमता छीनी गई। समय के साथ कलेक्टर जमींदारों से बड़ा होता गया, हो गई। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, हाँ, बाकीदार वो जो पैसे नहीं दे पाते थे, है ना, जिन्होंने पैसे नहीं दिए, लगान नहीं दिया जमींदार को जब कलेक्ट करने गया, तो जमींदार की इतनी भी पावर नहीं थी कि बाकी जो बाकीदारों हैं उनको मुकदमा तो चलाएगा, ले वो चला सकता था मुकदमा, पर न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी होती थी, वो तब तक उसका नीलामी आ जाती। 1798 में अकेले बर्दवान जिले में राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित 30,000 से अधिक लंबित मामले थे। सोचो आप 1798 की बात है, 30,000 से अधिक लंबित मामले अकेले बर्दवान में जिले में थे। अब देखते हैं जोतदारों का उदय, जोतदार कौन थे। 18वीं शताब्दी में जहां जमींदार समस्या में थे, वही गांवों में कुछ धनी किसानों के समूह गांवों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे, इन्हीं को जोतदार बोला गया। फ्रांसिस बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों जिन्हें जोतदार कहते हैं उनका विशद विवरण मिलता है। 19वीं शताब्दी आते आते कई रोजदारों की जमीन 1,000 acres तक थी। आप खुद सोच लो जितने थे ना 19वीं शताब्दी आते आते जितने जोतदार थे इनकी जमीन 1,000 acres तक पहुंच गई थी, मतलब राजा से भी ज्यादा, मतलब वहां के जमींदार से भी ज्यादा। स्थानीय व्यापार और साहूकार पर भी उनका नियंत्रण था, इतने प्रभुत्व वाले लोग थे तो स्थानीय जो साहूकार था वो तो पैसा इधर उधर करने का काम ही उसी का, तो उन पर नियंत्रण था। स्थानीय व्यापार पे भी उन्होंने इन्वेस्ट कर लगा रखा था, पैसा है तो इन्वेस्टमेंट होगा, तो उनका नियंत्रण था। और इनकी जमीन का बड़ा भाग बटाई द्वारा जोता जाता था। बटाई समझते ना, मतलब एक आदमी आएगा वो अपने हल से ही आपका खेत जोतेगा और आपको आधा जब फसल होगी तो आधी आपको देगा आधी खुद रखेगा वाला, जो खुद अपने हल लाते खेत जोते और फसल के बाद आधी उपज जोतदार को दे दिया करते थे। गांवों में जोतदार जमींदारों से ज्यादा प्रभावशाली थे। जमींदार जो शहरों में रहते थे, अब वो जमींदार शहरों में रहते थे भाई, वो पहले से राजा थे बाद में धीरे धीरे जमींदार पे आ गए, लेकिन घर उनका शहर में था तो उनका गांव प्रभुत्व कहाँ आएगा, कभी कतार आते लगान लेने के लिए। जमींदार जो शहरों में रहते थे उनका ये लगान लेते समय बड़ा विरोध करते थे, तो जब वो आते थे गांव में तो ये जोतदार उनके सामने खड़े होते नहीं देंगे, ऐसा करके बड़ा विरोध हो रहा था। अधिकतर किसानों को वो अपने पक्ष में रखते थे और वही पक्ष में रखते थे, पैसा है उनके फेवर में बोलते भी थे, और जमींदार के राजस्व वसूली में जानबूझकर देरी करा देते थे। कई बार जमींदारों की नीलामी की संपदा को जोतदार ही खरीद लेते थे, वो जो खरीदते थे ना 5%, वो यही है जोतदार, जोतदार ही खरीद लेते थे। उत्तर बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे, हालांकि गांव के मुखिया भी धनी हो रहे थे, कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था। तो ये थी हमारी उपनिवेशवाद और देहात की कहानी, जिसमें हमने देखा कि अंग्रेजों के शासन के समय, ये पार्ट 1 है, इसके आगे भी पार्ट 2 आएगा इसका,
हमने ये देखा कि अंग्रेजों के शासन के समय देहात पे क्या प्रभाव पड़ रहा था, देहात के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा, आम जनजीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा था, ये सब चीजें जो छोटे छोटे नॉलेज हैं, यही आपको जब आप बाद में 1857 की क्रांति का जो आप अंग्रेज कुछ बाहर के इतिहासकारों ने आपको भटकाने की कोशिश की, आप धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं कि वो केवल एक गोली वाला सैनिक, छोटा सैनिक विद्रोह था, सैनिक विद्रोह नहीं था, यही सब चीजें दबी थी, तो आम जन जो जनजीवन था उसकी बहुत बड़ी भागीदारी रही उसमें, तो तब हम समझ पाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, वो सारी कड़ियां जुड़ती जाएंगी। तो फिर से मिलेंगे इसी के साथ, नमस्कार, जय हिंद। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें।